नमस्कार, बिहार लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चले हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बिहार में भी बात होने लगी है वन नेशन वन इलेक्शन की। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस पर क्या रुख है, ये अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ही क्लियर कर दिया है। मतलब ये कि बीजेपी जिस इशारे पर नीतीश कुमार और जेडीयू को नचा रही है, हकीकत में अब जेडीयू उसी ओर नाचती हुई नजर आ रही है। लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा अब से कुछ ही दिनों में हो जाएगी, लेकिन बिहार में अब भी इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि दोनों चुनाव कहीं एक साथ ना हो जाए। आपको मालूम है वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। एक कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, और इस कमेटी को बिहार की सत्तारूढ़ दल जनता दल यूनाइटेड ने जाकर अपना पक्ष बता दिया है। बिहार में चुनाव कब होगा लोकसभा का, ये तो चुनाव आयोग को तय करना है। चुनाव आयोग तारीखों की अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन विधानसभा का चुनाव कब होगा ये सब जानते हैं। लेकिन असमंजस ये है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू क्या ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन के मायने आपको समझने होंगे। आपको मालूम है राम नाम की लहर है, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर 2024 में अपना काम बनाने में लगी हुई है। नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक से बाहर हो गए हैं, नीतीश एनडीए में चले गए हैं, लेकिन इंडिया ने इस बार राम नाम को मुद्दा नहीं रखा है, ना ही इंडिया को इससे कोई ऐतराज है कि भगवान श्री राम सबके हैं। इंडिया वाले कह रहे हैं राम भगवान हैं और भगवान हम सबके हैं, और भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा इस बात को लेकर दावा कर रही है कि राम को इस कलयुग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही लाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी बिहार में यह सोचा कि हम भी राम नाम की लहर में नैया पार करवा लेते हैं। विधानसभा में जेडीयू के विधायकों की संख्या 43 हो गई थी। अगर नीतीश कुमार ने किसी दल को तोड़ा नहीं होता तब 45 नहीं होती। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू विधानसभा में अब भी तीसरे नंबर की पार्टी है। खैर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का स्टैंड क्या है ये आप समझ जाएंगे। एक तस्वीर आपको हम आगे दिखाएंगे इसको, तस्वीर को देखकर। लेकिन आपको ये समझना होगा कि नीतीश कुमार बिहार में ही नहीं बल्कि देश में क्यों चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके नेतृत्व करता है नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने जब जब एनडीए का साथ छोड़ा, वजह सिर्फ एक रहे नरेंद्र मोदी। 13 में छोड़ा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, 2022 में छोड़ा नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने की बात कहकर। लेकिन नीतीश कुमार अब उसी मोदी के साथ हो चले हैं, यानी भाजपा के कमल पर बैठकर नीतीश कुमार विहार कर रहे हैं बिहार में। खैर, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब क्या दावा कर रही है तस्वीर देखिए। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में बनाई गई समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिलकर जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखा। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साथ ही श्री संजय झा भी मौजूद रहे। इस तस्वीर को साझा किया है बिहार जेडीयू के कद्दावर नेता, बिहार के मुंगेर से सांसद, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। ललन सिंह के साथ संजय झा भी मौजूद हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि बिहार में जेडीयू भी चाहती है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक ही साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, एक ही साथ लोकसभा का भी चुनाव हो जाए। तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अगर एक साथ हो जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की रणनीति क्या होगी,
यह आपको समझना होगा। आपको मालूम है, हमने पहले ही कह दिया कि राम नाम की लहर है। इंडिया ब्लॉक में तमाम लोग जो एकजुट हैं वो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सरकार किसानों के लिए देंगे, नौजवानों के लिए देंगे, युवा को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे। खैर, बीजेपी का राम नाम सब पर भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार की यह समझ है, उनकी पार्टी जेडीयू ने पहले हालांकि नहीं क्लियर किया था, जेडीयू ने नहीं कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन अब जेडीयू कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में पलटी मारी, उनके बयान भी उसी तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक पलट रहे हैं। खैर, इन सब चीजों से ज्यादा आपको यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार को लगता क्या है। नीतीश कुमार को यह लगता है, जो बिहार के जो पॉलिटिकल नॉलेज वाले लोग हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार को लगता है कि विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा के चुनाव के साथ हो तो जेडीयू की स्थिति कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती है। जेडीयू की स्थिति 43 से 63 पर, 63 से 103 पर पहुंच जाए, ये हर दल की रणनीति होती है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की भी रणनीति है। खैर, अपना बात रखा है जेडीयू के पक्ष के ओर से ललन सिंह और संजय झा ने। बहरहाल, अब तक ये क्लियर नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन होगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव के तारीख की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।